करोड़ों के घोटाले में तगड़ा एक्शन, 23 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, कांग्रेस नेता ने उड़ाया ईडी का मजा, ईडी का जबरदस्त तरीके से एक्शन। नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनावी माहौल है देश में और ईडी का जबरदस्त तरीके से डंडा भी चल रहा है, लेकिन ईडी के एक्शन से कांग्रेस नेता बौखलाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो ईडी का मजाक उड़ाने से भी नहीं बाज आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने करोड़ों के घोटालों में करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नोएडा के लोटस 300 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने पंजाब में 23 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली में स्थित 4 आवासीय भूखंड और कृषि भूमि शामिल है, जो मूनलाइट प्रॉप बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड और एल्को ग्लोबल वेंचर्स LLP के नाम पर दर्ज है। ईडी के मुताबिक निवेशकों से धोखाधड़ी कर प्राप्त ये धन 3C ग्रुप की कंपनियों के माध्यम से पंजाब में अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। क्या है पूरा मामला, अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और जिसमें ईडी का भयंकर डंडा क्यों चला। दरअसल मामला नोएडा के सेक्टर 107 में स्थित लोटस 300 परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसे 2010 और 11 में हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि HPPL ने 67,941.45 वर्ग मीटर भूमि पर शुरू किया था। जांच में पाया गया कि बिल्डर खरीदार समझौते के विपरीत 27,941.45 वर्ग मीटर भूमि को 236 करोड़ रुपए से में प्रतीक इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया है। कंपनी को ट्रांसफर कर दिए थे 190 करोड़। ईडी के मुताबिक परियोजना से मिले 190 करोड़ रुपए HPPL समूह की कंपनी 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए। धन की इस हेराफेरी के कारण परियोजना अधूरी रह गई और कंपनी दिवालिया हो गई, जिससे न केवल निवेशक बल्कि नोएडा प्राधिकरण को भी बहुत नुकसान हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से दर्ज FIR में आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सितंबर में की गई छापेमारी में एजेंसी ने 3C ग्रुप से 42 करोड़ रुपए की नकदी, सोने हीरे के आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स को मिला अधिकांश धन मूल लाइट प्रॉपर्टी बिल्डर्स और एल्को ग्लोबल वेंचर्स जैसी समूह कंपनियों को असुरक्षित ऋण के रूप में दिया गया, जिसका उपयोग अवैध तरीके से अर्जित धन से संपत्ति खरीदने में किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने ईडी को भेजी रिपोर्ट। नोएडा अथॉरिटी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी भेज दी है। रिपोर्ट में 8 वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है, जिनमें से 3 अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, जिनमें पूर्व CEO मोहिंदर सिंह भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार ये अधिकारी साल 2010 से 2016 के बीच परियोजना से जुड़े रहे और उनके खिलाफ जांच चल रही है। इस रिपोर्ट के बाद ईडी अब इस बात की जांच करेगी कि कंपनी द्वारा बेची गई भूमि से मिले 236 करोड़ रुपए के वितरण में किन किन अधिकारियों की मिलीभगत थी। कांग्रेस नेता ने उड़ाया ईडी का मजाक। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस नेता ने ईडी का मजाक क्यों उड़ाया था। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा खुलासा करते हुए ईडी का मजाक भी उड़ाया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि उनके ठिकानों पर जब तक प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है, तब तक वो सामान को रफा दफा कर देते हैं। उनके इस खुलासे से उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया है। दरअसल ईडी वन विभाग के घोटाले के केस में उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। पाखरू रेंज घोटाले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का नाम सामने आया है
कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी निर्माण में घोटाले की जांच हो रही है। ऐसे में हरक सिंह रावत का बयान काफी महत्वपूर्ण हो गया है। दरअसल इस समय उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। इस बीच हरक सिंह रावत का बयान सनसनी मचा रखा है। हरक सिंह रावत ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि केदारनाथ में पूरी सरकार जुटी हुई है, लेकिन लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने इस दावे के साथ ही ईडी के छापों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री ने क्या कहा? वन विभाग घोटाले की जांच के दायरे में आए पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में सबसे पहले सीबीआई जांच हमारे खिलाफ ही हुई। उत्तराखंड में कोई भी छापेमारी होती है तो सबसे पहले हरक सिंह का नाम सामने आता है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि हरक सिंह कुछ तो है ना, मैं एक सिपाही का लड़का हूँ। एक सिपाही के लड़के ने हिंदुस्तान की सीबीआई ईडी जैसी सबसे बड़ी जाँच एजेंसी को हिलाकर रख दिया है। उत्तराखंड में सीबीआई तो जैनी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच मेरी, और उत्तराखंड में किसी नेता की अगर जांच हो रही है ईडी की तो सबसे पहले हरक सिंह की। तो हरक सिंह कुछ है ना, अरे मैं एक सिपाही का लड़का, आज एक सिपाही के लड़के ने सारा हिंदुस्तान की सीबीआई और एक हिंदुस्तान की जो है ईडी सबसे बड़ी जांच एजेंसी हिला के रख दिया। मेरे निमंत्रण पर मेरे बारे में तो ईडी वाले जब आए तो मैंने कहा यार हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब गफा दफा कर दिया। तो कहले कहाँ रखा, मैंने ढूंढो तुम, तुम्हारा काम है ईडी वालों का। ईडी जांच को लेकर हरक सिंह ने कहा कि मेरे निमंत्रण पर ईडी वाले हमारे घर आए थे, उस समय मैंने कहा कि हुजूर बड़ी देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। उनसे हमने कहा कि मैंने यहाँ कोई सामान थोड़ी रखा है, उसको तो पहले ही रफा दफा कर दिया। हरक सिंह ने आगे कहा कि ईडी वालों ने सवाल किया कि सामान कहाँ रखा है, मैंने कहा ढूंढो तुम्हारा काम है ढूंढना। उन्होंने जांच एजेंसी की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ईडी वालों को ढूंढना चाहिए, हम क्यों बताएं। सीएम धामी पर भी टिप्पणी। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की है। मीडिया के धाकड़ धामी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मेरा छोटा भाई है, उसके बारे में मत पूछो, वो रात 2-2 बजे तक हमारे दरवाजे पर खड़ा रहता था, मैं सच बता रहा हूँ। हरक सिंह ने दावा किया कि उत्तराखंड में हरीश भाई यानी कि पूर्व सीएम हरीश रावत को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो हरक सिंह के दरवाजे पर खड़ा ना रहा हो, मैं 27 साल की उम्र में ही मंत्री बन गया था। 4,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड में 5 राज्यों में एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी नागपुर ने 4,037 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी केस में 5 राज्यों में कार्रवाई की है। एजेंसी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 503.16 करोड़ की संपत्ति कुर्की की है। ये संपत्तियां 24 अक्टूबर को जब्त की गई थी। इसके साथ ही जब्त की गई कुल संपत्ति लगभग 727 करोड़ रुपए की हो गई है। मामला कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटर्स डायरेक्टर्स अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत ही जांच से जुड़ा हुआ है। कुर्क संपत्तियों में बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड शेयर, कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड और मनोज कुमार जायसवाल और उनके परिजन के अलावा कई सेल कंपनियों के नाम ली गई प्रॉपर्टी भी शामिल है। 11,000 करोड़ से ज्यादा का हेरफेर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। यूनियन बैंक के मुताबिक आरोपियों ने लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट डिटेल में हेरफेर की और इसके बाद बैंक के फंड को डाइवर्ट किया था। इसके चलते बैंक को 4,037 करोड़ रुपए ब्याज समेत 11,369 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसके पहले इस मामले में ईडी ने नागपुर, कोलकाता और विशाखापट्टनम में कई जगह तलाशी अभियान चलाकर आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी ने अपराध की आय भी जब्त की थी जिसमें 223.33 करोड़ रुपए के लिस्टेड शेयर और सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट और बैंक बैलेंस शामिल थे। साथ ही 55.85 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई थी। 2019 में कंपनी को बैंक ने फ्रॉड किया था घोषित।
कॉर्पोरेट पावर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप था जिसकी स्थापना 2006 में अभिजीत ग्रुप ने की थी। इसका मकसद झारखंड में अपने पावर वेंचर्स के लिए पैसा जुटाना था। 2019 में यूनियन बैंक के कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया गया और 2022 में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ईडी की जांच में पता चला था कि सीपीएल के अलावा अभिजीत ग्रुप की बाकी संस्थानों में भी इस तरह के बैंक लोन फ्रॉड को अंजाम दिया गया था। ग्रुप ने 250 से ज्यादा फर्जी संस्थानों का एक जाल बनाया था जिसका इस्तेमाल आरोपी अपराध से होने वाली इनकम को जोड़ने और उसके इस्तेमाल के लिए किया जा रहा था। 200 करोड़ का घोटाला। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई की है। ये मामला कैनरा बैंक और स्टेट बैंक इंडिया से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेकर सहयोग संस्थानों को ये तमाम राशि ट्रांसफर करने से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर रखी है। फरवरी 2021 में सीबीआई ने भी रेड की थी, अब ईडी ने रेड की है। इसमें जानकारी दी गई है कि ईडी ने 24 अक्टूबर को गुरुग्राम, दिल्ली, मानेसर और रोहतक में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामले में सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। सूत्रों ने बताया है कि कैनरा बैंक और स्टेट बैंक इंडिया से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेकर उसे अलग अलग संस्थानों को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसको लेकर जाने माने कारोबारी राजेश जैन से जुड़े ठिकानों पर रेड हुई थी। इसमें 46 लाख रुपए और कई लग्जरी गाड़ियां समेत दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जानकारी में बताया गया है कि ईडी ने ये कार्रवाई 200 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की है। ईडी ने मेसर्स लक्ष्मी प्रिसीजन स्कूज लिमिटेड, ललित कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, मेसर्स नवधातु वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश गुप्ता से जुड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। दरअसल सीबीआई ने इसी मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। ये रकम करीब 200 करोड़ रुपए बताई गई है। इन लोगों पर बैंकों से मिले धनराशि को जानबूझकर हस्तांतरित करने का आरोप है। कंपनी ने उपरोक्त धनराशि को अपनी सहयोगी संस्थानों और भारत के संबंधित संस्थानों को हस्तांतरित कर दिया था जिससे बैंकों को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद ईडी ने मेसर्स लक्ष्मी प्रिसीजन स्क्रूज लिमिटेड, ललित कुमार जैन निदेशक, एलपीएसएल राजेश कुमार जैन निदेशक और अज्ञात लोक सेवक आदि के खिलाफ आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई है। यानी कुल मिलाकर कई मामलों में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ईडी के निशाने पर कौन होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।